मतलब सिंपल सा मैंने रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कॉटन का ड्रेस पहना हुआ है और ये दुपट्टा मेरे एक्चुअली इस जो मेरा ड्रेस है वो सिर्फ बॉटम और कुर्ता ही था इसका दुपट्टा मुझे नहीं आया था तो मैंने ये वाला इस तरीके का सिंपल सा दुपट्टा मेरे पास बहुत पुराना पड़ा हुआ था ये ले लिया और साथ में इसी से मैचिंग के एयरिंग और आप देख सकते हैं जो मेरा आई लुक है वो मैंने कुछ इस ड्रेस को मद्देनजर रखते हुए किया है तो उम्मीद है आप लोग को जरूर पसंद आएगा मेरा ये लुक दिन का प्रोग्राम रहता है तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे लाइट सा ही करना चाहिए तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज्यादा हैवी लुक नहीं किया है लाइट सा ही किया हुआ है तो कहीं अगर मेरा लुक आप लोग को अच्छा लगेगा और मेरी वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो बहुत लोगों को हेल्प हो जाएगी आप अगर शेयर करेंगे तो और कम कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और अगर आप लोग इंस्टा मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टा का मेरा हैंडल मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी आप मुझे वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं मेरा इस इसलो के एक दो तो रील आपको जरूर वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे मैं रील बनाने की बहुत ज्यादा शौकीन हूँ तो मैं अक्सर ही रील पोस्ट करती रहती हूँ तो आप और अच्छे से जान सकते हैं अगर आपकी कोई क्वाइरीज रहेगी तो आप मुझे वहाँ पे डीएम करके पूछ भी सकते हैं तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेट्स तो चलिए चलिएगा सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉइस्चराइज़र के साथ तो किसी भी मेकअप का स्टार्ट हमेशा मॉइस्चराइजर से होता है अच्छे से अपने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए और फिर दो तीन सेकेंड रोकी उसके बाद आप फिर प्राइमर लगाइए तो मैंने न्यूट्रीड्रम का मॉइस्चराइजर लगाया जो कि मेरी फ़र्स्ट ट्यूब है मैं बहुत टाइम से उसको लेना चाही थी फाइनली मैंने लिया और ऑलमोस्ट वो ख़त्म होने वाली है मुझे बहुत अच्छी लगी तो उसके बाद जो है वो मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन सॉरी ब्लू हेवन कह रही हूँ फेस ब्यूटी का प्राइमर जो कि कलर कैरेक्टिंग प्राइमर है उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मामा अर्थ का फाउंडेशन जो कि बहुत हाई कवरेज तो नहीं देता है लेकिन ये है कि आपको एक डुई फिनिश देता है तो दिन के प्रोग्राम के लिए मुझे ये फाउंडेशन बहुत अच्छा लगा और सच में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है आप इसको रेगुलर बेस में भी यूज़ कर सकते हैं फाउंडेशन को डुई फिनिश देता है फेस पे एक शाइन प्रोवाइड करता है मतलब ऐसा थोपा हुआ नहीं लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है तो दिन के लिए अगर आपको एक अच्छा फाउंडेशन चाहिए और मुझे लगता है साढ़े की रेंज में आपको मिल जाएगा मामार्थ की वेबसाइट पर भी पर्पल पर भी नायका पे सब पे आपको मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा मुझे ये फाउंडेशन लगा और इसमें जो मेरा शेड था वो जीरो ज़ीरो थ्री न्यूड ग्लो करके मेरा शेड है उसके बाद मैं यहाँ पे स्वेस ब्यूटी का एस टी कंसीलर ले रही हूँ तो मैं अपनी आँखों पे उसे ऐसा प्राइमर लगा रही हूँ क्योंकि मेरे को अपना जो आँखें क्रिएट करनी है शेड लगाना है जिससे वो पॉप अप होके दिखे और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लूज़ पाउडर वो जो कि स्वेस ब्यूटी का ट्रांसपेरेंट लूज पाउडर है वो मैं अपने लिट मतलब आँखों पे पलकों पे लगा रही हूँ जिससे कि जो मेरी आँखें हैं ना वो क्रीज लाइने ना आए उस पर शेड अच्छे से दिखे तो ये है मेरा आई मैजिक का पैलेट जिससे कि मैं आपको फर्स्ट टाइम अपनी कोई लुक क्रिएट करके दिखा रही हूँ क्योंकि जब से मैंने लिया तब से यार मैंने कोई लुक क्रिएट ही नहीं किया बहुत टाइम हो गया वीडियो अपलोड किए हुए मतलब मेकअप ट्यूटोरियल वाली तो ये मेरा फर्स्ट मतलब लुक होगा इस पैलेट से मतलब मैंने किया है इस पैलेट से मेकअप बट अपना नहीं किया अब दूसरों का किया है अपने ऊपर मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं पहले मैंने एक लाइट शेड लिया और अपनी क्रीज पे लगाया उसके बाद मैं कॉर्नर पे लगा रही हूँ एक नेवी नेवी ब्लू कलर क्योंकि मेरा दुपट्टा उसी कलर का है तो कॉर्नर पे मैं वो लगा रही हूँ और कभी भी आप मेकअप का स्टार्ट करें मतलब अपनी आँखों पे कुछ क्रिएट करना चाहें तो हमेशा आप डार्क से लाइट की तरफ जाएं इनर कॉर्नर पे लाइट की तरफ हो मतलब इनर कॉर्नर से लाइट टू डार्क कह लीजिए या स्टार्टिंग से डार्क टू लाइट इस तरीके से कहिए कह लीजिए तो हमेशा हमें मतलब इस तरीके से करना चाहिए आगे कभी भी मतलब डार्क कलर नहीं अच्छा लगता है और इस तरीके से आप मेकअप करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल मेकअप लगेगा तो आप देख सकते हैं मैं आगे इनर कॉर्नर पे मैं येलो कलर कर रही हूँ अपनी ड्रेस के हिसाब से और स्टार्ट में मैंने ब्लू कलर किया है दोनों को करने के बाद मैं उसको आपस में मिक्सअप कर रही हूँ जिससे कि वो अलग अलग ना दिखे ऐसा लगे कि आपस में मतलब है और फिर जो शेड मुझे चाहिए वो नहीं आ रहा मैंने दो तीन बार फ्लैट ब्रश से लगाया तो मैं फिंगर से लगा रही हूँ अगर आपको आपका प्रॉपर शेड चाहिए ना तो आप इस तरीके से ये टेक्निक ट्राई कर सकते हैं कि अगर वो शेड नहीं आ रहा तो आप फिंगर से आप लगा सकते हैं और एक तरीका और है आपने ब्रश पे थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे लगा के भी अपने कलर को लगा सकते हैं तो वो और अच्छे से उठ के दिखेगा तो यहाँ पर मेरी दूसरी आँख भी हो गई है डन उसके बाद मैं यहाँ पे येलो से ही थोड़ा सा एक और डार्क शेड है उसको मैं अपने इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ फिंगर की हेल्प से ही लगा रही हूँ तो आप देख सकते हैं उसका लुक अभी किस तरीके से आएगा ये देखिए इस तरीके से जैसा मुझे चाहिए प्रॉपर वो शेड आ चुका है और यहाँ पर मैं अपने लूज पाउडर को कर रही हूँ डस्ट ऑफ़ क्योंकि आँखें मेरी हो गई हैं ऊपर की तो जो भी फॉल आउट हुआ था उसको मैंने डस्ट ऑफ़ कर दिया है तो आप इस तरीके से कभी भी अपनी आँखें ट्र के तो पहले नीचे फाउंडेशन अगर आप लगा चुके हैं तो आप थोड़ा सा लूज़ पाउडर यहाँ पे लगा लीजिए तो आपका मेकअप ख़राब नहीं होगा उसके बाद मैं आज स्वीस ब्यूटी के ब्राउ पाउडर से अपनी आईब्रो फिल कर रही हूँ तो जो मेरी शेप है उसी शेप में मैं कर रही हूँ क्योंकि आप लोग देखते हैं मैं अपनी ब्राउज़ को बहुत पतला नहीं करती हूँ मुझे थोड़ी सी मतलब मोटी आई ही अपने ऊपर अच्छी लगती है तो मैं इसी तरीके से ब्राउ फिट कर फिल करती हूँ तो मेरी दोनों आई कंप्लीट उसके बाद मैंने लिया है शिवाना का हाइलाइटर जो कि मेरा फेवरेट है और आप लोग देख रहे होंगे मुझे बहुत टाइम से यूज़ करते हुए तो उसको मैं अपनी ब्राउ बोन को उसमें से एक शेड लेके सिल्वर कलर का है उससे मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्लू हेवन का स्ट्रोप एंड शेप ट्यूब मतलब ऐसे स्टिक फॉर्म में आता है तो उससे मैं कॉन्टोर कर लूँगी अपने फेस को तो मुझे ना इसका स्ट्रोप तो कुछ खास नहीं लगा बट इसका कॉन्टोर मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे पहली बात तो इसको कर लगाना बहुत इजी है बहुत हैंडी है तो बहुत ही अच्छे से तो आप जिस टेक्निक से मैं लगा रही हूँ इस तरीके से आपने फेस को काउटोर करा करिए और आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं बट मेरा फेस थोड़ा शबी है थोड़ा हैवी है तो मैं इसलिए कॉन्टोर स्किप नहीं कर रही हूँ आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपको लगाना ही है तो अगर आप मतलब अपने चिन के पास आप कॉन्टोर लगाते हैं तो उसको अंदर की तरफ आप उसको ब्लेंड करेंगे और जो आपके चिक पे रहेगा चिन का मतलब अंदर की तरफ जो रहेगा आपका जो ठुड्डी के पास रहता है ना उसको अंदर की तरफ करना है और जो चिक पे रहेगा आपके उसको ऊपर की तरफ अब की तरफ ब्लेंड करना है नीचे की तरफ नहीं और नोज़ को जो मैं आप देख रहे हैं कि फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपने नोज़ को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ तो वो नीचे की तरफ मैं ब्लेंड कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी शेप मेरी नोज़ मतलब आपको समझ में आ रहा होगा दिख रही है उसके बाद मैं यहाँ पे रैनिथ टू थ्री इन वन का ब्लश ले रही हूँ और ये बहुत ही नेचुरल सा शेड है बिल्कुल भी लगता नहीं ये कुछ लगाया है तो मुझे लगा कि ये लगाना सही रहेगा क्योंकि बहुत हैवी लुक मुझे नहीं दिखाना है तो मैं इसको एक बार लगाया मुझे थोड़ा कम लगा फिर मैंने दोबारा से लगाया क्योंकि मुझे थोड़े से मुझे ना हाइलाइटर और ब्लश बहुत अच्छा लगता है तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से वो दिखे बट दिन का था तो मुझे लग रहा था कम भी लगाना है तो बट वो मुझे बहुत कम लग रहा था इसलिए तो मैंने वापस से लगाया और यहाँ मैंने अपने फेस पे हाईलाइट कर लिया है अपने फेस को नोज़ को चेक को और अपने लिप क्यूपिड को उसके बाद यहाँ पे जो मैं लाइनर लगा रही हूँ वो ब्लू हेवन का ही है तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ किए हैं मतलब कोई कोई प्रोडक्ट होंगे जो 500 सौ साढ़े पाँच तक के होंगे अदरवाइज़ सारे ही अंडर 500 के प्रोडक्ट्स हैं जो मैं लगा रही हूँ तो आप इसको अफोर्डेबल मेकअप टुटोरियल भी कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब अंडर फाइव मेकअप टुटोरियल यहाँ पर फिर मैं मे का ले रही हूँ मशकारा मैंने यहाँ पे पॉलिस नहीं लगाई हैं मेरा ना लेंस लगाने का मन था बट मेरे को बहुत तेज से जुखाम हुआ था और मैं जब भी लेंस लगाती हूँ मेरी आँख से पानी निकलता तो मेरे को और निकलने लगेगा तो मुझे ना ब्लश अभी भी कम लग रहा था तो मैंने फिर स्टेक वर्की का थोड़ा सा चिकी गर्ल ब्लश है वो लगाया और उसके बाद ब्लू हेवन की लिपस्टिक लगाई जिसमें कि मेरा ब्लू हेवन का जो शेड है वो है आई थिंक ट्वेल्व नंबर इसमें कोई नाम नहीं है बस बारह नंबर लिखा हुआ है बहुत ही अच्छा शेड है एक न्यूड शेड और उसके ऊपर से मैंने ना मार्च की एक कैप्सूल वाली लिपस्टिक आती है वो लगाई है जो कि बहुत ही अच्छी है वो भी और जो मुझे शेड चाहिए था वो मैंने लगा लिया आप दो लिपस्टिक के शेड को मिला के लगा सकते हैं उसके बाद मैंने ब्लू हेवन का ऑफ मतलब ऑफ़ कैमरा ही मैंने ब्लू हेवन का काजल लगा लिया था और एक ब्लू लाइनर से बिंदी लगा ली थी और मेरे पास नेल्स पड़े हुए थे तो वो नील्स मैं सोची थी लगाऊंगी बट उसका ग्लू सूख गया था तो मैं आपको वही दिखा रही थी कि आप लगा सकते हैं आपको मैंने ऑफलाइन ही लिया था वो और यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा पोपट हो गया था मेरा लाइनर मेरे नए कुर्ते पे ही गिर गया था ये मैंने फर्स्ट टाइम पहना था तो दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज़ उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना और ज़रूर से ज़रूर शेयर शेयर करिएगा तो बाई गाइज मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में हैप्पी रक्षाबंधन